अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम तो जमल है। अगर आप 20,000 कैटेगरी में एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन की प्राइस पहले 25,000 थी। जब ये 25,000 का था तब भी ये काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन था गेमिंग के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान में प्राइस कट लगा है इसका। प्राइस अभी अग्रेसिव काफ़ी हो चुकी है। जब 25,000 में था तब भी आपको डिस्काउंट के बाद काफ़ी अग्रेसिव प्राइस देखने को मिलती थी। अभी इसकी प्राइस पाकिस्तान में 23,500 रुपये कर दी है, मतलब 1,500 का आपको कट देखने को मिला है पाकिस्तान मार्केट में। अगर बात करें पाकिस्तान में ऑफलाइन जो होते हैं इसमें आपको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपको इसमें 21,000 करोड़ देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइस 21,000 के लिहाज से काफ़ी तगड़ी है। इसमें आपको गेमिंग बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। सबसे बेस्ट बात, इसमें आपको 6 GB रैम के साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। इस पैकेज में आपको टेक्नो का स्पार्क 7 Pro भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आपको 4 GB रैम के साथ में 64 GB की बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपको रैम ज़्यादा देखने को मिलती है, आप मल्टीटास्किंग अच्छी कर पाएंगे। एक ही टाइम पे 4-5 ऐप यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यूज़ कर पाएंगे, कोई भी ऐप बंद नहीं होगा बैकग्राउंड में, तो मल्टीटास्किंग काफ़ी इजी हो जाएगी। 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज, तो आप ज़्यादा चीज़ें इसमें स्टोर कर पाएंगे, आपकी ज़्यादा मेमोरी देख लो मेरी, आपको SD कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी ले तो काफ़ी अच्छी बात होगी, नहीं भी लगाएंगे तो 128 GB की स्टोरेज है, तो आपको ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस मोबाइल फ़ोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। गेमिंग की बात करें तो बहुत ही तगड़ी गेमिंग है, आउट क्लास गेमिंग देखने को मिल जाती है। स्मूथ पर अल्ट्रा ग्राफिक्स और HD पर हाई ग्राफिक्स आपको PUBG में देखने को मिलते हैं। काफ़ी स्मूथ गेम प्ले है स्मार्टफोन का, आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। ये आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा। इस स्मार्टफोन की बहुत ही तगड़ी पॉइंट ये लगा मुझे, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 20,000 के किसी भी स्मार्टफोन में आपको इतनी बैटरी प्रोवाइड नहीं की जाती। 6000 mAh की बैटरी साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग में देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपको फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलती है। टेक्नो स्पार्क 7 Pro एक ऐसी वाइड डिवाइस है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, जो कि बहुत बुरी बात है। प्रोसेसर ठीक है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, रैम ज़्यादा देखने को मिल जाती है, स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और साथ में फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमराज की बात करें तो कैमरा इस प्राइस में अच्छे आते हैं, जो कि टेक्नो स्पार्क 7 Pro आपको अच्छा बैक कैमरा प्रोवाइड करता है। फ्रंट कैमरा नॉर्मली है, दोनों का आपको इक्वली देखने को मिल जाता है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, तो दोनों में आपको क्वालिटी सेम ही देखने को मिलती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा कैमरा में, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर तो आप एक कैमरा डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो आप टेक्नो स्पार्क 7 Pro की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक खालिस गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, जैसे खालिस शायद होता है ना, वैसे खालिस गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, जो कि आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा। ये स्पेशली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया, आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एक IPS पैनल है जो कि 6.8 इंच का आता है, 5 होल वाला डिस्प्ले, आपको साइड होल 5 होल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रेंडी डिज़ाइन है भाई, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बैक भी कैमरा सीट ठाक देखने को मिल जाते हैं, फोटोज वगैरह आप क्लिक कर पाएंगे। इस डिवाइस के साथ आप जा सकते हैं, ये डिवाइस काफ़ी तगड़ी है 20,000 में। आई होप आपकी वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।